दिवाली की रात धन माता आती है जिसके पास, उसके घर होती है धन की बरसात। दिवाली पर सब बुला रहे हैं धन माता को अपने घर। देखें धन माता देती है किस पर अपनी कृपा की नजर। प्लीज वेलकम भारती एज वेरियस कैरेक्टर्स, सिद्धार्थ एज अ राइटर एंड कीकू एज धन माता सेक्रेटरी। पहचाना भक्तो, हम कौन है? हम वो है जो सिर्फ यहाँ पर बैठे सुहेल और अर्चना के पास है। भक्तो, हम है धन माता। बहुत से लोग हमारे पास अपनी प्रॉब्लम लेकर आते हैं, जैसे अर्चना। उस दिन विपुल शाह ने चेक नहीं दिया तो गुस्से में आ गई हमारे मंदिर और इतनी जोर से घंटी बजाई कि घंटी हमारे मुंह पे बजी। इतना दर्द हुआ कि घंटी मुंह पे बजी, मुंह घंटे जितना सूज गया। तब से ये सूजा मुंह लेकर हम घूम रहे हैं। लेकिन हमें पता है दिवाली के घर हमें आप लोग के घर आना होता है और सबको खुश करना होता है, लेकिन हमें पता ही नहीं है हमारा सेक्रेटरी सिक्का स्वामी आ जाए तो हमें बता दे कि हमें किस किस के घर जाना है। एक तो सुहेल जी, बीन बैग जैसा हर आदमी अपने आप को गणेश आचार्य समझने लग जाता है। धन माता, जस्ट जोकिंग। अच्छा बताओ, दिवाली के दिन हमें किस किस के घर जाना है खुश करने? इस पृथ्वी लोक पे हर कोई आपका इंतजार कर रहा है। जो गरीब है उन्हें तो आपकी जरूरत है ही, और जो बहुत गरीब है उनको आपकी और भी जरूरत है धन माता। वाह, क्या लाइन बोली ठुल्ले, क्या लाइन बोली। प्लीज कोई कॉमेडी वाली लाइन भी बोल, वरना लोगों को एक एक लाख रुपया बांटती हूँ और मुझे आठ आठ मिलते अच्छे लगेंगे। हे माते! अरे भागा! हे माते! अरे ठुल्ले भाग! अरे ठुल्ले भाग! राक्षसों ने हमला कर दिया! राक्षसों ने हमला कर दिया! राक्षसों ने हमला कर दिया! धन माता रुकिए रुकिए, ये कोई राक्षस नहीं है, ये मनुष्य है, आपका भक्त है ये। छी, इतनी गंदी शक्ल वाला भक्त? ऐसे भक्त होते हैं क्या? इतनी गंदी शक्ल है, ये तो शक्ल से डरा के रावण से भी पैसे छीन सकता है। माते! मम्मी, नहीं! आज तुझे मेरी दरखास्त सुननी पड़ेगी माते। हे माते, हर बार तू अमीर की तरफ जाती है, आज तुझे इस गरीब के पास आना पड़ेगा माते। ये गरीब है? तो आपको क्या लगता है माता, यहाँ पर ऐसे वस्त्रों में ये ओबामा घूम रहा है? ये गरीब है माता, इतना गरीब कि इसके तो हजार के नोट पे भी आलोकनाथ की फोटो है। सच में माता, ये चाहता है कि दिवाली के दिन आप इसके घर में आए। अच्छा, पहले पता लगाओ कि ये सच में मेहनती है, इसको हमारी आवश्यकता है, तो हम इस दिवाली पे इसके घर जरूर जाएंगे। डन धन माता, योर विश इज माय कमांड। You've just given me a responsible job, and whenever you've given me a responsible job, I have done that responsibility. You just watch what I'm going to do now. Take care. Goodbye. Happy Diwali! Hey, Mate! क्यों बनाया तूने मुझे राइटर? तुझे तो मालूम है राइटर की क्या कंडीशन होती है। अरे गलती से हमको अवार्ड भी मिल जाए तो हम खुशी नहीं टेंशन में आ जाते यार। ये ट्रॉफी 1200 से कम में बिकी तो भीख मांग के खाना पड़ेगा। अरे भाई सुनो, 5 रुपए से कम में देना प्लीज। अरे नहीं नहीं, हम तुम्हें भीख देने नहीं आए हैं। तो कुछ लिखवा लो। अरे हम तुमसे कुछ लिखवाने भी नहीं आए हैं। तो इतना बड़ा पेट लेके सिग्नल में ट्रैफिक जाम क्यों कर रहे हो? हट! हम एक राइटर हैं, राइटर? और हमने सुना है कि तुम भी एक राइटर हो। हाँ। लेकिन तेरे को कैसे पता? नहीं, जैसी तुम्हारी हालत है तुम कोई अरब के शेख तो हो नहीं सकते। वैसे ये बताओ कि तुम ये ऐसे कपड़े क्यों पहने हो तुम? अच्छा, तो दिवाली में मैं नए कपड़े भी नहीं पहनूं? लेकिन मेरे को कुछ काम दो। 2 दिन में दिवाली आने वाली है और मेरे पास दिवाली के लिए पैसे भी नहीं है। अरे निराश ना हो मनुष्य, पैसे हमसे ले लो, लो। नहीं नहीं नहीं, एक्सक्यूज मी, मैं किसी का एहसान नहीं लेता। हाँ, भीख में देना ही तो दे दो, मेरे को प्रॉब्लम। एक मिनट, देखा, बोला था ये माती करेंगे तुम लोग। मनुष्य, 1 मिनट। हेलो, क्या सच? मुझे एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर डायरेक्टर मुझे एक फिल्म ऑफर कर रहा है, वो यहाँ पर मुझसे मिलने आ ही रहा है बस। आई लव सुहेल, सुहेल खान, ए सुहेल खान, मेरा भाई, मेरे पास छुट्टा पैसा नहीं है, चल आगे बढ़। सुहेल भाई आप गलत समझ रहे हैं, वो भिखारी जैसा दिखता है पर वो राइटर है, राइटर। ओ आई एम सो सॉरी डियर, आई एम सो सॉरी, हैप्पी दिवाली बोथ ऑफ यू, यू नो दिवाली इज अ वेरी गुड फेस्टिवल, यू नो बोथ आर गली मिलिंग एंड घर में गेट टुगेदर होइंग एंड बहुत सारा जुआ एंड शराब एंड रशियन डांसर नचाएंगे एंड Enjoy होएगा तो everyone को मिठाई है। सोहेल भाई, सोहेल भाई, सोहेल भाई, ये दिवाली वाले ऐसे बाद में बोलो, पर हमारी बात सुनो ना, ठीक
क्या हमारे पास टाइम नहीं, सुनो ना। देखो मेरा भाई, जब चीज में कोई बहुत जरूरी चीज याद कर लेता तो फिर मैं सुनाए बिना नहीं रह सकता। एक बार मैंने गाय का ऐसा याद कर लिया था, किसी ने भी नहीं सुना। मैंने फ्रस्ट्रेशन में आके मेरे घर के बाहर एक गाय खड़ी थी, मैंने पूरा ऐसे उसको सुना दिया, लेकिन उसने मेरे को उड़ के मेरे पेट में लात मारी, क्योंकि वो गाय नहीं सांड था। सोहेल भाई, सोहेल भाई आप कर लो, हम कल आते। चल रहे भाई, चल। मेरा भाई तू तो गलती मार गया मेरा भाई। मैं क्या बोल रहा था, यू नो कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, मुझे उसके लिए राइटर की जरूरत है। हाँ तो उसी के लिए सोहेल भाई, तो आपने मुझे फोन किया ना उसके लिए, मुझे किया आपने। यू नो मेरे पास एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, यू नो बिजनेसमैन के ऊपर है, मेरे को अमीर राइटर चाहिए जिसको अमीरों लोगों की नॉलेज हो, और कैसे उठते बैठते खाते पीते कैसे टॉयलेट जाते सब चीज की नॉलेज हो, ऐसा राइटर चाहिए। बस अमीर का तो मैं लिखेगा ना, मेरे जैसा तो अमीर की कहानी चट से लिख सकता है। तो मेरा भाई तू जाके ट्रक के पीछे लिख, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, मेरी चलती तेरी क्यों जलती है, इट्स लाइक अ फिल्म नॉट अ ट्रक। मैं लिख सकता है। अरे ओए ओए ओए, रहने दे, सुना नहीं, ऐसा राइटर चाहिए जिसे अमीरों की नॉलेज हो, अमीरों की। देखो मेरा भाई, मेरे को फिल्म लिखवानी है सलमान भाई के लिए, यू नो तुझसे लिखवाऊंगा तो ऐसे लगेगा सलमान खान के डायलॉग बलराज सानी को दे दिए, इसीलिए मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, मेरे को अच्छी फिल्म बनानी है। यू नो अगर तुझे लिखना है तो दीवारों पे जाके लिख, कुत्ते थे पुत्र रहते ना मुतर, एंड बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, सिलाई कढ़ाई इधर तसली से सिलाई जाती है, जस्ट चिल चिल जस्ट चिल। ए सोहेल भाई, सोहेल भाई कितनी बेइज्जती करते हो, मैं गरीब नहीं अमीर, अमीर। एक मिनट, तो इतनी देर से झूठ क्यों बोल रहा है, धन माता को अपने घर बुला रहा है क्यों, क्या जरूरत है, तू अमीर है ना। ये तो कलयुग है, और कलयुग में हर जन यही चाहता है, जिसके पास धन हो वो भी ज्यादा धन मांगता है। देखा ठुल्ले, मैंने क्या कहा था, अरे ये गरीब नहीं अमीर है। धन माता, मैं ये देखने आई थी सोहेल खान बनके कि तुम्हारे पास कितना धन है, इसको धन की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसको पूछो इसके पास काम है, क्योंकि हम दोनों को काम की बहुत जरूरत है। तुमको काम की क्यों जरूरत है, क्योंकि ऊपर से चाहे धन माता बने हैं और ये सिक्का स्वामी, लेकिन अंदर से कीकू और भारती है। तो मैं आपको काम नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि मैं अंदर से पिंकू। लेकिन तुम राइटर क्यों बने? अरे मैं क्या, मेरे पीछे जो चार लोग हैं उसमें से तीन तो राइटर है। चार लोग, तीन राइटर, एक राइटर क्यों नहीं? अच्छा बैंड बोल के एक म्यूजिशियन भी ना रखे। लेकिन राइटर क्यों बन गए? क्योंकि इधर राइटर को 1000 रुपए मिलते हैं। हाँ। कितने सीजन तक 80 रुपए में तबला बजाओ, 80 रुपए सीखने में लगते हैं, 150 रुपए सिखाने के लेते हैं, और हर स्क्रिप्ट में राइटर मेरी बजाते हैं। आज मैं राइटर बन के परमानेंट राइटरों की बजा ली है, मैंने राइटरों की बजा ली है। अरे नहीं सोहेल भाई, अभी अच्छे अच्छे पॉइंट दो, नहीं तो मैं पर्सनली आके पप्पी लेता हूँ। पॉइंट दो प्लीज। हैप्पी दिवाली। सोहेल आपसे शुरू करते हैं। भारती आपसे टैलेंटेड इस मंच पे, यू ब्रिंग सो मच ऑफ वैरायटी, आप इस स्टेज पे खुशी लेके आती हो, सो भारती फॉर यू, यू आर एब्सोल्युटली फैबुलस। कीको आई लव द एटीट्यूड टुडे, एंड सिद्धार्थ आप में जो एनर्जी है, यू नो यू आर लाइक अ लाइव वायर ऑन स्टेज यार, तो एज अ टीम आई थिंक यू गाइस ऑल कमिंग टुगेदर एंड अ हैप्पी दिवाली। थैंक यू सर, थैंक यू, हैप्पी दिवाली। अर्चना I think the first half of the act was good, लेकिन जब भारती आप आई as सोहेल, you took the act somewhere else. और जैसा कि इन्होंने बहुत अच्छी तरह बोला सोहेल ने, जो खुशी आप लेकर आते, the happiness, that was very very tangible and it really made the act work for Thank me. You, Thank you. All three of you were very nice. सोहेल, we'll start scores with you. आप इस पागलपन को कितने numbers देंगे? I'm going to go for a 9. Thank you, sir. Me too. Yeah, thank you.